खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी है जिसमें हिंदू महासभा की महासचिव पूजा पांडे महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारती हुई दिख रही हैं। 30 जनवरी को अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए गोली मारने के इस कार्य को अब बड़े स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ में सोमवार को कमिश्नरी पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही ये लोग कह रहे हैं कि ये सभी काम हिंदू महासभा भाजपा की केंद्र व यूपी की सरकार की शय मिलने की वजह से कर रही है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि योगी और मोदी की सरकार नहीं चलेगी। वहीं कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि इन हिंदू महासभा के नेताओं ने महात्मा गांधी का अपमान किया है, इसी के चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 30 जनवरी को अलीगढ़ के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के ऊपर हिंदू महासभा की एक नेता ने, जो कि अपने आप को टीचर बताती है, किस तरह की टीचर है वो, उसके विरुद्ध आज मेरठ जिला और महानगर कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में हो रहे प्रदर्शन का एक भाग बनकर मोदी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ और हिंदू महासभा के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। और हमारी मांग है कि जिन लोगों ने अलीगढ़ में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की प्रतिमा पर गोली चलाकर दोबारा से उनकी एक तथाकथित हत्या की है, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और सख्त सजा दी जाए। लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि योगी सरकार की सह पर, मोदी सरकार की सह पर, आरएसएस सरकार की सह पर ये काम हुआ है, ये कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन हम कांग्रेस जन पूरे हिंदुस्तान में आज प्रदर्शन कर रहे हैं और इन दोषियों को, जो महात्मा गांधी के दोषी हैं, इनके मुंह में राम बगल में छुरी, वैसे महात्मा गांधी का गुणगान करते घूमते हैं और इनके जो अनुयायी हैं वो महात्मा गांधी की प्रतिमा पर गोली चलाकर ये और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यदि मैं उस जमाने में पैदा हुई होती तो गोट से नहीं, मैं मारती उसको। ऐसे खुले रूप से बयान देने वाले को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं देंगे और हम दिलवाकर रहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि पूजा पांडे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने इस धरना प्रदर्शन के जरिए बीजेपी की सरकार पर निशाना साधना तो शुरू कर दिया है, वहीं ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से जारी रहेगा। मेरठ से आलम सिद्दीकी की रिपोर्ट, हेडलाइंस हलचल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।